भारत के पहले कृषि मंत्री पंजाब राव भाऊसाहब देशमुख, इनकी स्मृति में सरकार ने हर साल भारतीय कृषि साइंस कांग्रेस का आयोजन करना चाहिए, ऐसी मांग लगातार की जा रही है। भारत के पहले कृषि मंत्री पंजाब राव भाऊसाहब देशमुख, इनकी स्मृति में सरकार ने हर साल भारतीय कृषि साइंस कांग्रेस का आयोजन करना चाहिए, ये मांग एग्रो वेट एग्रो इंजीनियर मित्र परिवार की ओर से की गई है। परिवार की ओर से सचिव प्रणय पराते ने कहा कि किसान के बच्चे शिक्षा से वंचित ना रहे, इसी मुख्य उद्देश्य से पंजाब राव देशमुख इन्होंने श्री शिवाजी शिक्षण संस्था की स्थापना की। आज ये संस्था शिक्षण विभाग में अच्छा काम कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि पंजाब राव देशमुख इनके नाम से पहले ही एक कृषि महाविद्यालय है, दूसरे की जरूरत नहीं। सरकार ने करना है तो पंजाब राव भाऊसाहब देशमुख इनकी स्मृति में सरकार ने हर साल भारतीय कृषि साइंस कांग्रेस का आयोजन करना चाहिए, यही उनके लिए सही मायने में श्रद्धांजलि होगी। एग्रोवेट एग्रो इंजीनियरिंग मित्र परिवार तरफे आम्ही सगळ्यात पहिले आपला धन्यवाद आणि स्वागत करतो। डॉक्टर भारताचे पहिले कृषी मंत्री शिक्षण महर्षी शेतकऱ्यांचे कुलदैवत डॉक्टर पंजाबराव देशमुख यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ भारत सरकारने दरवर्षी भारतात अनेक अलग ठिकाणी भारतीय कृषी विज्ञान काँग्रेसचं एक परिषद घेण्यात यावं ही आमची प्रमुख मागणी आहे। आणि आता 125वी जयंती भाऊसाहेबांच्या नावाने महाराष्ट्र शासन करत आहे, म्हणून आम्ही महाराष्ट्र शासनाला आणि महाराष्ट्राच्या सगळ्या खासदारांना आणि आमदारांना विनंती करतो की त्यांनी प्रधानमंत्री कार्यालयाशी संपर्क साधून पत्रव्यवहार करून भारत भाऊसाहेबांच्या जयंती किंवा पुण्यतिथी प्रत्यर्थ एक दरवर्षी भारतामध्ये भारतीय कृषी विज्ञान काँग्रेसचं आयोजन करावं, हीच भाऊसाहेबांना खरी श्रद्धांजली आहे। भाऊसाहेबांच्या जन्मस्थळी कृषी महाविद्यालय काढणं हे भाऊसाहेबांना खरी श्रद्धांजली नव्हे, हे आमची महाराष्ट्र शासनाला नम्र विनंती आणि भाऊसाहेबांवरती प्रेम करणाऱ्या सगळ्या लोकांना आम्ही नम्र विनंती करतो ॲग्रेवेट करके की तुम्ही या प्रश्नाला तडीच लावा आणि केंद्र शासनाकडे हा प्रश्न मार्गी लावून पत्रव्यवहार करून ही भाऊसाहेबांच्या 125व्या जयंती प्रीत्यर्थ ही मागणी पूर्ण व्हायला हवी अशी आमची इच्छा आहे। जैन प्रणय पराते, मी सचिव आहे ॲग्रेवेट इंजिनियर पत्रिका। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।